पहले तू बता दे गर्लफ्रेंड का नाम बताना पड़ेगा पहले। टॉप 13 पे अपग्रेड हो चुका हूँ। सो हे गाइस वेलकम बैक। आज तुम्हारे भाई के लिए काफी स्पेशल दिन है। आप सबको एक चीज दिखानी है कि तुम्हारे भाई ने अब आईफोन 13 ले लिया आज, क्योंकि काफी टाइम से ना स्टोरेज वगैरह के इतने ज्यादा इश्यूज हो रहे थे कि व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने सोचा अपग्रेड करते हैं, तो फिर घर वालों से बात करके घर वालों ने कहा चलो ठीक है नया ले लियो आईफोन वगैरह। तो मैंने सोचा कौन सा लूं, पहले मेरी समझ नहीं आया, फिर मैंने आईफोन 14 देखा, पर मेरे को भाई 14 में ना पैसे इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं लगा, क्योंकि जो फीचर्स उसमें मिल रहे थे सारे वही 13 में मिल रहे थे। तो इसलिए मैंने 13 परचेज करा है। कलर कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। तो गाइस बैक कवर भी लगवा लिया है फोन पे। पहले बैक कवर बताओ, मेरे को ना ट्रांसपेरेंट कवर मिला नहीं, अगर मेरे को ट्रांसपेरेंट मिलता तो मैं इस पर ट्रांसपेरेंट ही लगवाता, पर ये वाला कवर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा था, स्क्रैचलेस है ये बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, ट्रांसपेरेंट बाद में लगा लेंगे। गाइज अब आगे का व्लॉग जो होगा वो 13 से रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है। गाइज 11 और 13 की क्वालिटी में तो यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 13 में जो कलर क्वालिटी देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल भाई जो ओरिजिनल वाली है ना वही आ रही है। और बाकी कोशिश करते हैं जो नेक्स्ट फोन लें वो अपनी यूट्यूब इनकम से ही लेंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी जो व्लॉग्स की इशू हो रहा था ना कि भाई मैं काफी लेट व्लॉग्स अपलोड कर रहा था, तो इसी वजह से था क्योंकि जो मेरा पुराना वाला फोन है ना 11, उसमें यार 64GB स्टोरेज है, और जब भी मैं व्लॉग्स वगैरह शूट करता था तो यार वो एकदम फुल हो जाती थी, तो मेरे को ना क्वालिटी कंटेंट बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था इस वजह से। तो मैंने सोचा यार फिर अपग्रेड करते हैं, क्योंकि ये इशू काफी टाइम तक रहता तो यार बहुत मैनेज करना ना हेक्टिक हो जाता है। तो अब 13 पे अपग्रेड हो चुका हूँ और अब व्लॉग्स ही व्लॉग्स आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस आईफोन में मेरे को कुछ दिक्कत नहीं लगती, अब तक कोई ऐसा इशू भी नहीं आया। बट यार एक चीज इन्होंने बहुत खराब कर दी, जिस टाइम मैंने 11 लिया था ना तो उस टाइम चार्जर वाला सीन नहीं था, चार्जर बॉक्स में ही आता था। फिर कुछ टाइम बाद जब इन्होंने 12 वगैरह लॉन्च करा तो वो चार्जर वाला इशू कर दिया कि डेटा केबल आएगी फिर टाइप सी चार्जर अलग से लो। यार ये चीज गलत है, अगर आईफोन वाले चार्जर भी साथ देने लगे ना तो भाई बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आईफोन में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत जो एंड्रॉइड यूजर अगर आईफोन पे स्विच करते हैं तो उन्हें थोड़ा लगती है बैटरी की वजह से, पर अब धीरे धीरे इन्होंने वो भी सब चीज अपग्रेड कर दी है। बाकी तुम्हारे भाई ने आज फिर 20W का चार्जर भी परचेज कर लिया साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए भाई अब तो फोन भी ले लिया भाई, कांग्रेचुलेशन भाई। पार्टी पार्टी की जरूरत है क्या भाई? पार्टी दूंगा और क्या। ना ना भाई पार्टी वार्टी कोई चल रहे हैं अनंता तो वो है भाई, भाई नीचे रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट भी। कोई बात नहीं भाई, ठेले पैसे खिला दो ना भाई, ठेले पैसे खिला दो। आज भाई फोन लिया है, ना ना भाई ठेले पैसे खिला दो भाई, कंजूर की बात करे बिल्कुल ठीक है। रोहित भाई टाइम हो रहा है घर नहीं जाना क्या? 10:30 बजे घर चल रहे हैं भाई। भाई तुम मुझे वो बता दोगे आवारा? आवारा नहीं बनते यार, तुम चल पूछ रहे हैं कल रोकना ना भाई, रोकना चलो नहीं कंटिन्यू करेंगे इसी ब्लॉग को, कल के मंदिर चले घूमते फिर चलते हैं। मत बताओ कैसे यार, मैं कल मंगलवार भी और चलेंगे वहाँ, चलेंगे अमरनाथ मंदिर है ना गेट पे, हाँ तो वहाँ चलेंगे कल। हाँ लग रहा है तो कोई बात नहीं, उठ जाएंगे यार मंदिर जाना, मंदिर के लिए तो उठ जाएंगे यार, वो देखते हैं भाई। फाइनली अब मैं जा रहा हूँ घर, रात के बज रहे हैं 10, थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों में, फोन लाया था तो सबको दिखाया, अब बस घर पहुँचने वाला हूँ। सो गाइज व्लॉग के डे 2 में आप सबका स्वागत है। आज सुबह मैं और मेरा दोस्त मंदिर जाने वाले थे लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि उसने फोन नहीं उठाया, वो सोता रह गया। अभी उसकी कॉल आई कि यार कल चलेंगे मंदिर, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वैसे भी आज ट्यूसडे है तो मैं शाम को तो मंदिर जाने ही वाला हूँ।
और मैं आपके साथ अपनी फर्स्ट मील जो है वो शेयर करने वाला हूँ। मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि ब्रेकफास्ट में ऐसी कौन सी मील लें जिसमें हैवी कार्ब्स हो और अच्छा प्रोटीन हो। तो भाई मैं स्टार्टिंग से जब से मैंने जिम ज्वाइन करा है मैं एक ही मील लेता हूँ और वो है ओट्स। अगर आप ओट्स लेते हो ना, जो लोग ओट्स के फैन हैं वो ब्रेकफास्ट में कोई दूसरी मील ले ही नहीं सकते, उनका मन ही नहीं करेगा। और दूसरी चीज, अगर आपको यह है कि सुबह सुबह इतना ज्यादा कैसे खाएं, तो आप एक शेक बना के भी पी सकते हो जिसमें ओट्स, पीनट बटर, वे प्रोटीन, एक स्पून हनी, और आप अपने अकॉर्डिंग चीजें ऐड कर सकते हो, बनाना वगैरह और मिल्क। और बाकी आगे आने वाले टाइम में मैं फुल डे ऑफ फिटिंग की वीडियोस भी जरूर डालूंगा। जो स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, बिगनर्स हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते अपनी जिम की डाइट, तो वो डिमोटिवेट ना हो, उनके लिए मैं वीडियोस आगे बनाने वाला हूँ जल्दी जल्दी। स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है अर्जुन भाई का, शॉप पे देख रहे हो, कपड़ों की शॉप पे। समोसे क्या सिस्टम है? मजबूत सिस्टम है हमारा, यही है क्या सिस्टम? ये दिख रहा है पेट यहाँ से अंदर कर लिया एकदम। ये ऑर्डर करिए क्या? हाँ। अरे भाई अर्जुन भाई का तगड़ा सिस्टम। और रिक्की भाई क्या हाल है? बड़े भाई तुम बताओ। बढ़िया भाई तुम ठीक हो? अबे इसे किसने बुला लिया बीच में? ऐसी है फर्जी। रिक्की भाई ये काम करने वाले रख रखे हैं यहाँ पे, इन्हें भगाया करो यार। माउस पे पानी दिया है भाई, आप दोबारा पानी दिया, दोबारा बताइए क्या? रिक्की भाई आज बहस हो गई है फार्म हाउस की स्पेलिंग ना दी अब मुझे। यूट्यूब चैनल से पढ़ा है या सेंटग्री से पढ़ा है? नाम क्या है? सेंटग्री से पढ़ा है। चल तू बता दे, पहले तू बता दे। भाई ये तो बहुत बड़े होते हैं यार, इन्होंने तो फेंक दिया मुझे मिट्टी मिट्टी में। चल अर्जुन सुन, तेरे लिए एक टास्क है छोटा सा। विक्की जूते पे नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा अगर तू विक्की के जूते पे पैसे दे। भाई मतलब विश्वास नहीं है क्या? भाई दे दे, इसे दे दे, मैं रखवा। चल पेटीएम कर दूंगा। तू 100 रुपए दे, अभी दे, अभी दे, इसे बार ना ना रहने दे, अभी कर, अभी भाई करना रोड आदमी। हां भाई रहने दे, कोई बात नहीं, रोड आदमी है भाई ये तुम्हारा मालिक। सुनो, एक आपने डायलॉग सुना होगा यूट्यूब पे जो आजकल फेमस हो रहा है, विक्की डॉन कैरी चीज, विक्की डॉन जब से हमने 13 लिया हीरो बन गए हम सब। हम क्यों बने भाई? तुम ही बने हो हीरो, तो वो वाले हीरो बने हो तुम, जॉनी लीवर वाले हीरो। कल भी टट्टी था आज भी टट्टी, काल ले गड़ी क्या भाई, जलते हैं विक्की भाई। विक्की भाई गुरुंदाव की तरह लगते नहीं लगते? विक्की भाई ये विक्की डॉन केड़ी चीज, काले गड़ी के नाम चले पूरे भारत में विक्की काले भाई का। गड़ी में स्पेशल भाई, काले गड़ी चलता भाई, काले गड़ी का मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ ना सबसे पोर्च कॉलोनी है काले गड़ी, सबसे पोर्च, सबसे महंगी कॉलोनी है, जहाँ पे स्टार है विक्की भाई, वहाँ के रिच, जहाँ पे रिच लोग एकदम बन ठन के रहते हैं। जिस दिन मैं नहाऊंगा ना उसी दिन व्लॉग होगा बस, ठीक है? जिस दिन व्लॉग ना आए तो समझ जाना कि मैं नहाया नहीं हूँ। अर्जुन भाई तो नहाते ही नहीं है कभी कभी। बताओ कौन, कमेंट करके बताओ कौन नहाया हुआ लग रहा है आज। मैं अर्जुन दे दूं फोटो? दे दो यार। क्यों दे दूं फोटो? दे दो यार फोटो, दे दो ना भाई। 100 रुपए लगेंगे? 100 रुपए ना भाई, 10 रुपए हैं, 10 रुपए चाहिए तो दे। 10 रुपए वाली चॉकलेट खिला दियो। ठीक है भाई खिला दूंगा, ठीक है। लाओ जल्दी लो यार फोटो। गर्लफ्रेंड का नाम बताना पड़ेगा पहले? है ही नहीं कोई, 5-6 में से एक का तो बता दो भाई। कोई नहीं, एक भी नहीं। कोई बात नहीं, ये हमारे और 1700 लोगों के बीच ही रहेगी बात भाई। कोई नहीं है, कोई नहीं। विक्की भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे यार, क्या करा जाए? प्यार एक दो का। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ घर, मैं रील वगैरह शूट करने गया था उस पार्क में। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहता हूँ, रील्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ बढ़िया बढ़िया, तो आप लोगों को पक्का मजा आएगा कंटेंट देखने में। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं कर रखा है जल्दी से जाके फॉलो करो। और बाकी मैं अब खाना खा लेता हूँ, मैंने सुबह सिर्फ एक मील ली थी, उसके बाद मैं बाहर चला गया था। अब शायद मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, कोई बात नहीं भाई, चीट मील है, कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे। और आज ट्यूसडे है तो मंदिर भी जरूर जाना है शाम को। तो गाइज एक चीज़ और बताओ आप लोग, कि मैं अपने चैनल पर चैलेंज वीडियोस डालूं या ना डालूं? क्योंकि मैंने एक चैलेंज वीडियो डाली थी, उस पर काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स रहा था आप सबका। और यार मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे होने वाले हैं जल्दी से। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना, और अपने भाई को ना सपोर्ट करो यार, जो वीडियोज़ हैं शेयर वगैरह करा करो। और अगर कोई सजेशन हो ना वीडियोज़ से रिलेटेड वो भी बता दिया करो, बिल्कुल भाई वाली बात समझना, ये मत समझना कि क्रिएटर है कुछ भी। जो आप सजेस्ट करोगे मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और चैलेंज वीडियोस भी आगे आती रहेंगी जिससे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता रहे और आप लोग बोर ना हो। सिर्फ मेरा मेन फोकस यही है कि मैं आप लोगों को एंटरटेनमेंट कर पाऊँ और कुछ नॉलेजेबल कंटेंट बता पाऊँ और
आप बस बोर नहीं होना चाहिए, मेरी जो ऑडियंस है ना वो बोर नहीं होनी चाहिए। एक बात और शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं ना यार भाई, वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं दोनों, अर्जुन और विक्की यार इतना सपोर्ट करते हैं मेरे को हर चीज़ में। जैसे इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह शूट करनी होती है या यूट्यूब के कोई शॉर्ट्स या वीडियो को शूट करना होता है, हमेशा एक फ़ोन कॉल पर आ जाते हैं कि चल ठीक है भाई तेरा काम है, एकदम आते हैं। और अगर किसी ने कुछ खाना भी नहीं खाया और 3 घंटे भी हो गए 4 घंटे भी हो गए, जब भी कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं रहता कि यार हमने खाना नहीं खाया, हमें जल्दी जाना है कुछ भी, यार मतलब अगर आपके पास ऐसे दोस्त है ना भाई तो उनकी क्या कदर करा करो। जो कुछ लोग मिलते हैं ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वरना तो दुनिया में ना मतलब ही लोगों की कमी नहीं है। आजकल दोस्त भी कुछ ऐसे हैं जो मतलब से पूछते हैं, पर मेरे दो दोस्त हैं ना इनसे यार कोई ऐसा मतलब वाला सीन नहीं है भाई, हमेशा बिन मतलब के दोस्ती है। और ये भी बिल्कुल भाई मानते हैं, मेरी साइड से भाई वाला सीन है। बस मेरे को एक छोटा सा अप्रिसिएशन के लिए बोलना था इन दोनों के लिए, तो मैंने बोल दिया दिल से। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारी तारीफ करियो, नहीं, बाकी अगर आप समझ रहे हो तो ऐसा ही है। यार एक बात बताओ आप लोग, ऐसा आप सबके साथ भी होता है क्या कि जब आप डाइटिंग करने की सोचते हो तो घर में कुछ ना कुछ ऑयली बन जाता है? और भाई अगर मैं मम्मी से बात कहूँ ना कि मम्मी ये डाइट फूड नहीं है, ये नहीं है, तो मम्मी को ऐसा लगता है कि कहीं वीक ना हो जाऊँ मैं, कहीं कमजोर ना हो जाऊँ। तो आलू के पराठे, छोले भटूरे, राजमा चावल, ये सब तो मम्मी के लिए हेल्दी चीज़ों में आता है। कह रही इनसे क्या फैट बढ़ेगा, इनसे क्या हो जाएगा, नहीं कोई नहीं जिम की डाइट ये सब। भाई मैं यार अगर ऐसे चलता रहा ना तो मैं तो कुछ टाइम बाद टेडी बियर जैसा हो जाऊंगा फिर। मैं टेस्ट रिव्यू टाइम, जब भी मैं कुछ खाया करूंगा ना मैं आपको टेस्ट रिव्यू जरूर दिया करूंगा, अब से हर व्लॉग्स में ये ऐसा हुआ करेगा, जब भी कुछ खाऊंगा जब भी टेस्ट रिव्यू दूंगा। तो आलू के पराठे का टेस्ट रिव्यू देता हूँ आपको कैसे बने हैं। फूड व्लॉगर नहीं हूँ मैं, पर कोई नहीं हम भी कर सकते हैं थोड़ा सा। बढ़िया बने, मम्मी ने बनाया तो बढ़िया बने होंगे। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, अभी जिम जाने से पहले मैं जा रहा हूँ मंदिर क्योंकि आज ट्यूसडे है। तो गाइस मंदिर से आ चुका हूँ और इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाकी अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स पूरे हो गए तो नेक्स्ट वीडियो चैलेंज वीडियो निकालेगा तुम्हारा भाई, तो जल्द से जल्द इस वीडियो पे 50 लाइक्स पूरे कर देना। और बाकी ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार दिखाते रहो, जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया वो सब्सक्राइब जरूर कर देना।